बहुत कॉम्प्रोमाइज, रोज लेट भी करते हैं। हॉट डॉग की तैयारी हो रही है। तो भाई बहुत ठंड थी, हमने कोशिश क्या कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं आज भी वेट कर रहा हूँ, कल भी वेट कर रहा था और अभी प्लान चेंज हो गया। मैं कहीं और जा रहा था बट प्लान चेंज हो गया, तो मैंने सबको बुलाया कि चलो आज चलते हैं और कुछ शूट भी कर लेंगे और ब्लॉग भी बना लेंगे। तो अभी हम लोग ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। एक भाई तो आ गया है मेरा, ये हमेशा सबसे पहले तैयार रहता है, और दो लोग और हैं अभी एक ब्लॉग ढूंढ रहा और एक अपनी गाड़ी लेके आएंगे। तो लास्ट सडन प्लान चेंज हुआ, तो आज हम लोग जाएंगे पोटैटो रिसर्च सेंटर। तो जो कुछ भी रहेगा जल्दी जल्दी में, मैं ब्रेकफास्ट करना भी भूल गया और इसीलिए रास्ते में अभी मुझे स्पेशल हॉट डॉग और गोलगप्पे मिलते हैं यहाँ पर। ये जगह का नाम है नवभार, यहाँ पे बीट्स कॉलेज है और चेल्सी स्कूल भी है। इसके साथ ही एक बहुत पुराने अंकल हैं, वो बहुत ही प्यारे बहुत ही टेस्टी हॉट डॉग्स और गोलगप्पे बनाते हैं। तो हम लोग अभी हॉट डॉग खाने जा रहे हैं, तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा होएगा हॉट डॉग। तो ये है वो जगह, और स्पेशली अगर आप शिमला की किसी भी गर्ल को पूछोगे तो वो ज़रूर यहाँ आई होगी, ज़रूर। तो गाइस ये देखो, इधर ताज़े ताज़े हॉट डॉग की तैयारी हो रही है, और ये बहुत ही पुराना, मतलब आई मीन जब मैं बहुत छोटा था, मेरा स्कूल का रास्ता यहाँ से था, मैंने यहाँ पे बहुत वेट किया है, यहाँ से मैं वॉकिंग जाता था मेरे स्कूल के लिए, उसका नाम था हेनॉल्ड पब्लिक स्कूल। कैसे ये दो दो, एक क्या, एक कुलचा आई थिंक, एक हॉट डॉग लगे हुए। भैया क्या कर रहे हो, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो ये हॉट डॉग है और ये कुलचा बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी, और इसके बाद हम लोग सब गोलगप्पे भी खाएंगे। चलो तो आप देख सकते हो सुबह, मतलब दिन का टाइम है पर भीड़ शुरू हो गया है, धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ती रहती है। मेरा कुलचा भी बचा है और ये लोग गोलगप्पे, इनकी गोलगप्पे की प्लेट आ गई है, दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं और मैं भी खाऊंगा, बहुत खाऊंगा मैं आज। हाँ जी ना, मैंने स्टोरी डाली है कि मुझे 20 डेज हो गए हैं विदाउट जिम, और मैंने 20 दिनों से एक्सरसाइज नहीं की, और मुझे आज पता नहीं क्या शौक चढ़ा, मैं सब उल्टा फुल्टा खा रहा हूँ। अभी तक हमने हॉट डॉग खाए, अब कुलचा भी खाया, अब हम लोग गोलगप्पे खाएंगे और हो सकता है फिर पापड़ी भी खाएं। आज सारी चीट मील आज ही कर लेंगे। तो अभी हम लोग ढली पहुंच गए और ढली से यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर पोटैटो रिसर्च सेंटर कुफरी, और उस दिन हम लोग गए थे नालदेहरा नीचे, तो लेफ्ट लेंगे तो नालदेहरा जाएंगे, ऊपर लेंगे तो हम लोग पहुँचेंगे कुफरी के लिए। तो आज हम लोग कुफरी जा रहे हैं, कुफरी में हम लोग जहाँ पे हम लोग उस दिन आप लोगों ने रील्स में देखा होगा, जहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, जहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, दो तीन तो बनाई हैं, तो वहाँ पे आज हम लोग जा रहे हैं क्योंकि दिन बिल्कुल साफ है, तो आज शायद हम लोग ब्लॉग अच्छे से शूट कर सकें। तो भाई बहुत ठंड थी, हमने कोशिश की कि वीडियोस बनाते। कैसा रहा भाई, कैसा भाई, लगा और कुछ ठंड नाक देखो कैसे हो गए सबके भाई, कैसा रहा शूट भाई ठंड। तो देखा आपने उस दिन शूट करना मुश्किल हो गया था, तो स्पेशली हम लोग आज जा रहे हैं सिर्फ ये ब्लॉग फिर से बनाने के लिए, क्योंकि वहां की जगह बहुत ही सुंदर थी। यहां पे स्नोफॉल हुई है और अभी तक थोड़ा बहुत रह चुकी है, और वो देखो ये इन पहाड़ियों के पार आप देख सकते हो स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू। तो गाइज ये देखो कुफरी पहुंच गए हम, कुफरी फन कैंपस है यहाँ पे, आप लोग इधर इधर है कुफरी फन कैंपस, पीवीटी एलटीडी करके यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ आप लोग आओ कुफरी तो यहाँ एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी राइड्स है ना, है ना दादा, यहाँ पे क्या क्या है बताएंगे आप वीडियो में। इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे इंडोर में स्मैश कार, हॉरर हाउस, 5D थिएटर, अब बच्चों के लिए बहुत कुछ है ना इधर। हाँ जी, आउटडोर में स्काई स्विंगर, फिश भी, बंजी स्विंग, जिप लाइन, गो कार्टिंग, ये सारी एक्टिविटी है। बिल्कुल, एक बार ही देख लेते हैं यहाँ से, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग शिमला कुफरी आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी राइड्स मिल जाएगी, और एक और जगह है आगे बट उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, वो मैं आपको बाद में मेंशन करता हूँ,
बट आप लोग यहाँ आ सकते हैं, देख लीजिए। तो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे काफी ठंड है और यहाँ पे स्नो भी बची है। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे स्नो होगी, बट ये तो अच्छा हो गया आप लोगों में यहाँ पे स्नो भी दिखा पाया हूँ। देखो आगे पूरा कवर है लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ। और ये आ गए हम लोग स्नो किंग रिट्रीट फागु टॉप शिमला पे। तो गाइज मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, तो हम लोग गाड़ी लगाते हैं वहां पे और फिर पैदल आते हैं। ये दरवाजा बंद कर देना भाई। तो ये देखो यहाँ के डॉगीज बहुत ही शांत है अभी तो। फाइनली गाइज हमने एक रील या फिर दो कुछ स्लो मोज लिए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, रोज ही करते हैं और रोज लेट भी करते हैं। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं तलाई। अब हम लोग जा रहे हैं तलाई और तलाई जाने के बाद वहाँ पे भी हम लोग कुछ कुछ लेंगे, तो लेट्स गो। वो भी एक बहुत प्यारी जगह है, मैं आपको यहाँ फाइनली लास्ट व्यू दिखाता हूँ। और वो कार्तिक ने वहाँ आग लगाते हुए। आई होप कि आपने ये वाली रील देखी होगी, बहुत ही मेरे दिल के बहुत ही करीब है ये रील। तो भाई यहाँ पे मिलती है जलेबी, बड़ी मस्त है। देखो ये क्या कांड किया है इधर, जगह देखियो भाई, कांड देखो क्या किया, जगह नहीं छोड़ी है निकलने के लिए। देखो क्या कांड किया भाई, पर कार्तिक उस्ताद है हमारे जो निकालेंगे। और ये मुंबई का ड्राइवर यहाँ फंसते हुए। चल चल भाई चल चल भाई और ये इस टाइम ना बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा सनसेट व्यू दिख रहा था यहाँ से और बहुत मजा आ रहा था इधर इतने दिनों बाद। तो अब हम लोग इधर आ गए हैं, हम लोग इधर से इधर लास्ट शूट करेंगे कुछ एक रील अगर कुछ बना। और वो देखो सनसेट होने वाला है और ये है तलाई एरिया और वहाँ है लेक, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जो टेंपल है इतना। हेलो हेलो व्हाट्स अप, तो हमने यहाँ पर लास्ट एक रील बनाई थी इधर जो आप साइड में देख सकते हो और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इतने दिनों बाद रील भी बन गई, काम भी हो गया और थोड़ा सा घूमना भी हो गया। तो गाइस अभी अंधेरा होने वाला है, नहीं नहीं अब तो स्टार्ट हो गया। तो गाइस अब अंधेरा होने वाला है और तो हम करते हैं अंधेरा तो ये लोग करते हैं तो रोज होता है। तो गाइस अब अंधेरा होने वाला है और अभी हमने रील्स बनाई बट लो लाइट हो गई तो फिर अब रील्स नहीं बन पाई उतनी, बट कोई बात नहीं। और हम यहीं पे व्लॉग एंड कर रहे हैं, मैंने आपको तलाई दिखाया, ये एरिया तलाई है, अगर आप लोगों को भी आना हो तो ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बट हाँ यहाँ पर पहले पीना पुना अलाउड था और अब लोगों ने गन पा के रखा है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी यहाँ आता है वो ये गन ना पाए, अपने साथ अपना कूड़ा खुद ले जाए। तो गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ और
ठंड लग रही है। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, लग रही है बहुत बहुत ज्यादा। थैंक यू, और सब्सक्राइब भी करें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।